जम्मू कश्मीर बहुत रिच स्टेट है, हमारे महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऐसे नहीं था किया, उसने सोच समझ के किया था कि भैया ये ना हो कि मेरी जनता त्रुड़ के रख दो तुम। कांग्रेस ने त्रुड़ा थोड़ा, तुमने खा ली उधार दी, तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पल्ले। हमारी नीलम किधर जा रही है भाई, किस रेट पे जा रही है? थर्मल बिजली तुम यूज करवा रहे हो जम्मू कश्मीर में, हाइड्रो वाली कहाँ जा रही है? वो NHPC का ज्योतिपुरम का प्रोजेक्ट खत्म हो गया हुआ, उनकी लीज खत्म हो गई है, वो तुम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हारी कौन सी फुफड़, कौन सी बुआ के लड़के लगते हैं वो, मुझे बता दोगे? NHPC वाले कौन लगते हैं तुम्हारे? उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ जनाब, हमारे इतने डैम्स बन सकते हैं, हमारी माता वैष्णो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, श्राइन बोर्ड जो है हमारा, वो आगे देता है पैसे लोगों को देता है। भाई हम अपने घर फाके पे देना तो दान करना पहले घर करो, भैया माता साड़ी माता रानी साड़ी, तो तुस चौधरी बने फिर दे, देखो मतलब ये नहीं ना, आप बात को समझो कि बस डाइवर्ट। भाजपा का एक नारा था, BJP आ गई गरीब रहन कोई नहीं देना, और ये पूरी उस नीयत पर काम करा दिया ने, गरीब सच्चे नहीं कोई रहन देना। रियलिटी है ये, यही चीज़ हो रही है, गरीब रहन कोई नहीं देना, सच्चे नहीं गरीब कोई रहन देना। और आप ये सोचें, अच्छा इन्होंने PM आवास योजना थी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आप इसकी लिस्ट निकालिए, 80% जो J&K में घर होंगे वो सारे स्टेट लैंड पर होंगे, तो वो पैसा चेक होने से पहले नहीं पता किया आपने? तब कहाँ थे ये लोग, तब कहाँ इनका डिपार्टमेंट कहाँ था? पैसा जब इन्होंने अप्रूव्ड किया वो जगह नहीं देखी, आज उसी घर को तोड़ रहे हो जो स्टेट लैंड पर बना हुआ है, तो वो पैसा किसका था? इनके बापू का थोड़ी है जेडे लिया आइए थे वेस्ट कर जनता पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं परिवर्तन मूवमेंट चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज और इनकी पूरी टीम। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी, अगर हम बात करें, अभी आप देख रहे हैं जम्मू व कश्मीर में स्टेट लैंड्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, हर जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। आज भी आप देखेंगे बठिंडी सुजमा के लोग जो हैं सड़कों पे थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो फिलहाल की जो सरकार है इसका जवाब वो बेहतर दे सकती है कि लोग सड़कों पर क्यों हैं। लोग सरकार चुनते हैं ताकि लोग सड़कों पर ना आए, लोगों के मुद्दे जो हैं वो हल हों, लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। बट ये आज की जो सरकार है ये उससे डिनाई कर देती है। मतलब आप भाजपा को पूछेंगे बोलेंगे हमारी डायरेक्ट सरकार नहीं है, तो मैं उनको भी पूछूंगा कि बेवकूफ़ हों, अगर तुम्हारी सरकार नहीं है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि UT जो प्रशासन है वो होम मिनिस्टर चलाता है, होम मिनिस्टर तुम्हारा नहीं है तो बता दो। फिर अमित शाह के नारे तो नहीं लगाने चाहिए थे, अभी बारामूला में रैली हुई तो बड़े नारे लग रहे थे, ठीक अमित शाह जिंदाबाद नहीं ना लगाने थे, ऊपर थोड़ी ना लगता, थोड़ा नहीं लगाने से। तब तो ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रही है भाजपा। इनके बड़े सारे लीडर बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा अगर भाजपा में कुछ है। जनाब आपका DC ही है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोलते हैं। अभी कल मैंने देखा अपने एडवोकेट शेख शकील साहब ने कहा, तो जनाब वो तो डंके की चोट पर बोल रहे हैं, अगर मेरी बात गलत है तो मैं हर किस्म की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हो गया, पानी ख़त्म हो गया? बताओ ना, तो करो ना बात, क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो फिर? तुम सारे चोर हो बेसिकली। क्या है अरफाज साहब, जितनी ज़मीनें हैं ना, लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, इस गवर्नमेंट को बेसिकली क्या है ना कि भूखे नंगे लोग हैं, सियासत में कभी रहे नहीं, सियासत देखी नहीं इन्होंने। सियासत का मतलब है फॉर द पीपल टू द पीपल, लोगों के लिए और लोगों के बीच में। इन लोगों के पल्ले है नहीं, 70 साल से अपोजिशन में थे, इनको समझ ही नहीं है कि वो जो ज़मीनें थी वो महाराजा हरि सिंह बहादुर के टाइम पे की वो ज़मीनें दी गई हैं लोगों को। तो टाइम बाय टाइम जनरेशन्स चेंज हुई हैं, तो उनके बच्चे भी आए हैं, फिर वो उनके बच्चों के नाम पे हुई है, फिर उनके आगे बच्चे हुए हैं, फिर उनके आगे हुए हैं, पर 5 पीढ़ियाँ चेंज हुई हैं, तो टाइटल्स नाम बदले हैं। और अगर नाम बदले हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, पुराना रिकॉर्ड छानने में कोई तकलीफ़ है? मैंने तो तभी कहा ना बागड़िए मत रखो नलायकों, इंटेलिजेंट रोक डोगरे रखो, वो तुम्हें बताएंगे कि भैया रिकॉर्ड पुराना है उसको मत छेड़ो। लोगों को छेड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में यही लोग जो हैं ये पथराव करेंगे तुम पे, ठीक है ना? तुम्हें जूते भी मारेंगे, तुम्हें पत्थर भी मारेंगे, और कहीं और कुछ आगे पीछे से आ गया तो फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनील जी, ये जितने भी बदलाव J&K में हो रहे हैं ये 2014 के बाद ही क्यों हो रहे हैं? 2014 से पहले जनता जो थी वो आराम से बैठी हुई थी, अपना सारा कुछ चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद जब लोगों ने चेंज चाहा, बदलाव चाहा कि भाजपा आएगी
हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। नया यही देखने को मिल रहा है कि घरों से बेघर किया जा रहा है। देखो पता क्या बात है, 2014 से पहले का और 2014 के बाद का जो सिनेरियो है उसमें फ़र्क क्यों है? 2014 से पहले जो हमारा प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे वो एक सरदार थे, ठीक है ना। तो उसके बाद के जो आए हुए हैं तो ये हिंदू हैं, हमारे गृह मंत्री हिंदू रहे हुए हैं, हमारे रक्षा मंत्री हिंदू हैं और हमारे प्रेसिडेंट भी हैं जो हिंदू हैं। तो फिर हिंदू फिर खतरे में आएगा ना, हिंदू जब हिंदू बहुल हो जाता है, ये तो हिंदुस्तान का इतिहास बोलता है, हिंदुस्तान में जब हिंदू बहुल हो जाता है वो खतरे में हो जाता है। तो फिर इसमें क्या नवी बात है, मतलब इनका तो सिनेरियो यही है ना, बेसिकली हमारी पुश्तों को ख़राब करने की कोशिश आज ये भाजपा की सरकार कर रही है, ठीक है ना जनाब। हम हिंदू हैं, बड़ा फर्स्ट क्लास, देखो तिलक भी लगाया, ठीक है ना, ऐसा कुछ है नहीं। तुम शायद पूजा पाठ करते हैं नहीं, हम रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते हैं, लेकिन बात ये कि हम लोग कायर नहीं, हम लोग बुजदिल नहीं। हमारे बच्चे जो हैं उन्हें ये मत सिखाओ कि हिंदू कमज़ोर है, हम कमज़ोर नहीं हैं। आप अपनी बात कीजिए, आपको अपनी सियासत के लिए हिंदू कमज़ोर करने, वो एक अलग बात है। और उसके बाद के बदलाव है ना, देखो हम बोलते हैं कि हर चीज़ का एक सिनेरियो रहता है, क्या है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब हो गई। आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि वो अदानी साहब जो हैं उनके शेयर्स गिर गए हैं, मगर कोई भी नेशनल मीडिया नहीं बताएगी, जम्मू की किसी मीडिया ने नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे पता है लोगों को पता ही नहीं है। LIC का 16,000 करोड़ 2 दिन में डूब गया जनाब, कहाँ गया? और वो पैसा पूरा कैसे होगा, वो कौन करेगा? वो हमारी खाल को उधेड़ के ये गवर्नमेंट पूरा करेगी, क्योंकि इनके घर में सगला नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो बदलाव है ना, ये मूर्खता के कारण है। हम लोगों ने एक ऐसी सरकार चुन के सत्ता में लेके हम लोग आ चुके हैं जिनके पल्ले एक्चुअली कुछ नहीं है। सरकार जो होती है वो देश का कमाऊ पुत्र होती है, और ये उजाड़ू पुत्र। अगर मैं आज भाजपा के किसी भी लीडर, चाहे वो राष्ट्र स्तर के हैं, चाहे वो राज्य स्तर के हैं, चाहे जिला स्तर के हैं, मैं सबको पूछूंगा जनाब आपका कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के खजाने में क्या है, तो उनका सवाल, उस सवाल का कोई जवाब होगा ही नहीं। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन। भीख मंगे कटोरा लेके पहुंच जाते हैं, कभी श्राइन बोर्ड के पास, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कभी ONGC के पास, और जब कुछ नहीं बचा तो RBI का एक रिलेटेड फंड होता है उसके पास। तो भीख मंगों से आप क्या बोल सकते हो? ये तो चुमने बोला बागड़ियों की सरकार, इनका कुछ नहीं बनना। अभी एक नई सौगा जम्मू कश्मीर को मिलने वाली है, प्रॉपर्टी टैक्स भी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो वो तो पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था, अभी आप थोड़ी देर वेट करो। मैंने तो ये भी सुना हुआ है कि भाजपा प्लान कर रही है कि बड़ का जो बूटा होता है हमारे यहाँ पे हिंदू शास्त्रों में, बड़ के बूटे को बड़ा माना जाता हुआ है, ठीक है ना, कि उसमें कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है, ठीक है। तो उस बड़ के बूटे में क्या क्वालिटी होती है कि वो ऑक्सीजन देता है दिन को और रात को, दोनों को, दोनों टाइम पे वो ऑक्सीजन ही देता है। तो उस जिसके घर में वो होगा ना जनाब, उस पे भी टैक्स होगा, हवा पे टैक्स लगने वाला है, ऑक्सीजन पे। तैयार रहो डोगरे, थोड़ी शैल गति करने वाली है गवर्नमेंट। सुनील जी, अगर बात करें हम परिवर्तन मूवमेंट की, हमारी जब भी आपसे बात हुई है आपने हर बार ये कहा कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और बीच में आप डोगरा स्वाभिमान संगठन के बैनर के नीचे भी काम करते हैं। अब आगे की क्या रणनीति है? आगे हो सकता है इलेक्शन भी नज़दीक हो, चाहे पंचायती हो, चाहे असेंबली हो, परिवर्तन मूवमेंट की क्या तैयारियां हैं? परिवर्तन मूवमेंट की तैयारियां आपके सामने हैं, आज भी हम मीटिंग करके हटे हैं, आज हम जम्मू में हैं। जम्मू की हमारी जो परिवर्तन मूवमेंट की इकाई है, आज उनसे बड़ी मतलब एलेबरेट करके हमारी मीटिंग हुई है आने वाले पंचायती इलेक्शंस को लेके, क्योंकि हम इलेक्शंस लड़ेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम इलेक्शन। और रही बात DSS की, DSS एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, चौधरी लाल सिंह जी मेरे गुरु हैं, ठीक है ना। मगर बड़ा अफसोस होता है जब मतलब कुछ चीज़ें आउट ऑफ द वे चले जाएँ, आउट ऑफ द बॉक्स चली जाएँ, तो बड़ा अफसोस होता है हमें, और ऐसा लीडर जम्मू को मिलना चाहिए था। मैंने सुना था आप कुछ नाराज़ भी थे उनसे, जो ये भारत जोड़ो यात्रा में उनका समर्थन दिया गया, भारत जोड़ो यात्रा को, उससे आप नाराज़ भी थे, आपने टोका भी था कि भाई इसमें ना किया जाए, और जिस तरह का सम्मान उनको वहाँ पे मिलना चाहिए था वो सम्मान भी उनको वहाँ पे नहीं मिला। हालांकि अब तो ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने माफ़ी मांग ली है। देखिए पता क्या बात है, मैं बड़ा स्पष्ट किस्म की बात हमेशा करता आया हूँ। तो क्या है कि आज का नहीं है, मैं पार्टी में, अगर आप कभी चौधरी साहब से पर्सनली भी आप बात करेंगे तो आउट ऑफ द बॉक्स भी बात करेंगे, वो हमेशा बताएंगे अगर किसी ने कॉन्ट्रेडिक्ट किया तो मैंने किया, अगर कोई अड़ा हर बार तो मैं अड़ा हूँ। देखो हर इंसान की अपनी विचारधारा है, ठीक है ना, इंसान उसके अकॉर्डिंगली बात करता है। जो मेरे सोच समझ है, मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहब को ये नहीं पता था, ठीक है, 30 साल से सियासत में है जनाब, कोई मतलब मजाक तो नहीं है ना, 2 टेनवर MP, 3 टेनवर कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब ही इज़ नॉट ए फूल,
ही नोज एवरी थिंग, मतलब उसको एक 30-31 साल का लड़का कुछ बताए उनको, वो एक समझ मेरे समझ के बाहर है, उनको सब कुछ पता है। बट मेरे समझ में ये नहीं आती आप कितना सेक्रीफाइस करेंगे। मैं चौधरी साहब के लिए यही कहूँगा, आप कितना सेक्रीफाइस करेंगे, हद हो गई है जनाब, ठीक है ना। आपको पता था पार्लियामेंट के टाइम पे कुछ नहीं होना, आपने पार्लियामेंट लड़ ली, मैंने तब भी कॉन्ट्रडिक्ट करा था, मैंने तब भी कहा था DDC इलेक्शंस में कि हमारी मेरी माँ समान है, ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट, उनको नहीं लड़ाना चाहिए था। सियासत और शतरंज में रानी पे दाव नहीं खेला जाता, बट उन्होंने तो अपने पूरे परिवार को ही इस डोगरा समाज के लिए मतलब बलिदान पे लगा दिया हुआ है। और हमें दुख होता है, मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है यार, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं इस कैपेसिटी मेरे में है नहीं कि उनके ऊपर बात आई और मैं चुपचाप बैठे रहूँ, मैं नहीं हूँ। अगर ये माता रानी का बहुत सुख है कि मैं उस दिन था नहीं, आई वॉज नॉट हेयर, अगर मैं उस दिन लखनपुर में होता ना जाने क्या कर देता, क्योंकि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरी पूरी टीम होती, शायद पथराव कर देते, शायद कुछ और कर देते, अपने गुरु का अपमान मैं नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। और ऐसा बंदा जो हमेशा इस डुग्गर समाज के लिए खड़ा हुआ, हमेशा आप लोगों ने हद ही कर दी है, कहाँ तक लेके जाओगे आप? बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं जन समर्थन के साथ मेजोरिटी के साथ, जनाब रिजल्ट क्या है? ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिकल गेम है, नंबर गेम है। लोग सिंपथी देने आते हैं, लोग वोट नहीं देते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा, वोट लेने होते हैं, यू हैव टू कन्वर्ट वोटर्स इंटू योर वोटर्स। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब हर बार इस चीज़ को सेक्रीफाइस ना करें, अगर इस माध्यम से भी वो इस चीज़ को सुनते हैं तो मैं बताऊँगा कि हर बार आप ऐसा ना करें, हमें दुख लगता है। सुनील जी, आपने कहा कि हमने इससे पहले भी उनको बार बार टोका है कि ये बात सही नहीं है, यहाँ पे इस तरह से नहीं करना चाहिए, बाकी जो लोग हैं उनकी पार्टी में या उनके सलाहकार हैं, तो क्या वो नहीं टोकते हैं, या सिर्फ जो चौधरी लाल सिंह जी ने कह दिया वही आखिरी फैसला हो जाता है? देखिए, पता क्या बात आती है, जब एक इंसान की इज्जत होती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पार्टी में कोई बुरा है, बेसिकली के चौधरी साहब की बड़ी इज्जत है हमारी नज़रों में, ठीक है ना। एक आदमी जब 40-45 किलोमीटर 45-47 डिग्री की टेम्परेचर में चल सकता है ना, तो उसकी इज्जत तो बनती है ना जनाब, पूरा डुग्गर समाज उनकी इज्जत करे, ठीक है ना। और वैसा लीडर शायद है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, हम भी नहीं हो सकते, कोई और था भी नहीं, ठीक है ना। बात ये आ जाती है कि हाँ पॉलिटिकल सोच कहाँ तक की है, ठीक है ना। चौधरी साहब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये सारे बोल देते हैं हाँ कर दो, बट मुझसे वो नहीं हो सकता। अगर सेक्रीफाइस करना है भाई हम कर लेते हैं ना, अगर जानी जानी तो हमारी जाए ना, उनकी ना जाए, हमारी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनकी जाने से पूरे समाज को फ़र्क पड़ेगा, और ये फ़र्क बस इसी चीज़ की लड़ाई है और किसी चीज़ की लड़ाई है नहीं। और परिवर्तन मूवमेंट तो हमेशा के लिए, मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन मैंने ये बात कही थी, शस्त्र हम शस्त्र धारण करके बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हम लड़ने उतरे हैं, या मरेंगे या मारेंगे। आपने कहा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, DSS के बैनर तले करेंगे या परिवर्तन मूवमेंट के बैनर? परिवर्तन मूवमेंट कोई पार्टी है ही नहीं, ठीक है ना, मैं सिर्फ डोगरा राज के बैनर के नीचे करूँगा। जो चौधरी साहब का मंतत्व है उसको अपना गंतत्व बना के डोगरा राज के नीचे, डोगरा राज के झंडे के नीचे परिवर्तन मूवमेंट कंटेस्ट करेगी। और बिल्कुल मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जिन लोगों ने ये कोई धारणा बना के रखी है कि कुछ नहीं है, इलेक्शन का रिजल्ट आ लेने दो, आप शायद नहीं जानते हो, ठीक है, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम आज ही नहीं आए सियासत में। गुणों और उम्र के बीच में अगर कभी चूज़ करना हो ना तो गुणों को करना चाहिए, और क्या किसके पल्ले है ये तो या तो जनाधार बता सकता है, जनाधार बहुत जल्द आपको दिख जाएगा, और या तो नंबर बता सकता है, नंबर इलेक्शन का वेट कर लो। आप एक युवा हैं, आपसे जानना चाहूँगा ये जो फैसले आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में आम जनता के हितों में जो फैसले लिए जा रहे हैं, हालांकि आम जनता सड़कों पे है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आप भी काफ़ी देर रहे, अभी भी आप देख रहे हैं कितने लोग वहाँ पे अलग अलग विभागों से जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्टेट लैंड और काचराई और रोशनी लैंड को लेकर के जो ऑर्डर निकला है उसको लेकर भी लोग सड़कों पे हैं, कैसे देखते हैं ये जम्मू कश्मीर किस ओर जा रहा है? सबसे पहले अरफाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना सबसे पहले आप ये देखो ये हो कहाँ से रही है, लीकेज जहाँ से लीकेज हो रही है उसको देखना पड़ेगा। जब इनके खुद के बंदे अंदर आ जाते हैं तो वो वहाँ पर शांति आ जाती है। और एक पार्टी का सिस्टम नहीं है, जम्मू को प्रैक्टिकल एक लैब बना दिया है इन्होंने, जो चीज़ आती है उधेड़ दो इधर, मतलब बाप का माल समझ के खदेड़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अभी थोड़े दिन पहले यात्रा थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, चलो अच्छी बात है कोई बंदा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए,
किसी ने अगर उसका सपोर्ट किया तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन वहाँ पर टारगेट किया अदानी जी को। मैं एक बात पूछता हूँ पूरी कांग्रेस को, उनकी प्रदेश कमेटी को, ये मेरा कोई उनके साथ कोई आपसी मतभेद नहीं है, रियलिटी बात है, जैसलमेर में अडानी जी को 7500 एकड़ 13,000 बीघा ज़मीन दी गई है, किस लिए दी है? वहाँ पर अडानी जी का कुछ नहीं गया, वहाँ पर नहीं देश बिका। ये सिस्टम ऐसा है, कोलैप्स हो चुका है, देश कॉरपोरेट वर्ल्ड का गुलाम हो चुका है, आप समझें इस बात को। FTA का इंडिया का FTA जो एग्रीमेंट हुआ है 16 देशों के साथ हुआ है, किस बेस पर पता ही नहीं है, किसान संगठन जाग ही नहीं रहे जम्मू कश्मीर में, जो हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर उसको ही कॉरपोरेट वर्ल्ड को बेच दिया इन्होंने। और मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत जो हमारी यहाँ की जितनी भी फसल हैं पायदान है वो विदेशों में भेजे जाएंगे और वो कॉरपोरेट जो कंपनीज हैं वो भेजेंगी। मतलब जो 3 फार्म्स ला आए थे डायरेक्टली तो अमेंडमेंट हो नहीं चुकी, उसको अप्लाई कर नहीं सके, उसको बैकडोर से किया जा रहा है। अच्छा। वही सिस्टम यहाँ पर लागू किया जा रहा है। मैं कहता हूँ फिर भी कुछ जो बाहर की फसलें हैं जम्मू कश्मीर वालों, जो बाहर की फसलें वो तो फिर भी सरकारी खाते में है, आपकी तो फसलें भी सरकारी खाते में नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। आज बोल दे ना तुस 6500 रुपया पा गया बासमती का, ये तुम्हारी 500 रुपये नहीं कौन चुकनी। आप जाए ना यहाँ से बाहर तो मंडी लगा कर बैठे होते हैं लोग, मंडियों में खज्जल हो रहे होते हैं। अभी महाराजा हरि सिंह की कृपा है कि ऐसा सिस्टम था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ मंडी नहीं लगती, एकदम से धान बिक जाता है, लोगों का घरों से उठा कर ले जाते हैं। जिस दिन मंडियों में बैठना पड़ा पता लग जाएगा लोगों को, यूटी बनी ना, इनको समझ में आएगा, ये लोग जाग नहीं रहे हैं। सरपंच से लेकर आपको ये नहीं देखना कि एक मिनिस्टर करप्टेड है, ये भी देखना है कि सरपंच जिसके पास था कुछ नहीं आज उसके पास प्लाट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उस पर भी एक्शन लिया जाए, क्या वो इन्वॉल्व नहीं है? सभी के ऊपर देखना पड़ेगा, जो बंदा जो भी लीडर जो समाज में जा रहा है उसकी सोचने उसको आपको सोचना पड़ेगा। अभी आप कहीं भी बात करो ना J&K में, तो लाइक आप ले लो हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, तो नीचे कमेंट आना, आपके भी मेरे इस इंटरव्यू के बाद भी नीचे कमेंट में आ जाएंगे लाल सिंह, कि लाल सिंह जैसा कोई लीडर मिले, क्यों भाई क्यों मिले, कोई कारण तो रहा होगा। उन्होंने आज भी चैलेंज किया था, थोड़े दिन पहले चैलेंज किया था, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुझे दे दो 1 साल के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट, मैं सुधार दूंगा। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांगा, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्यों? नियत है, जानते हैं, पता कख नहीं, 70 सालें दे 70 सालें दे बैठे दे ओपोजिशन आए राजे थाड़ी, इन्हें खुशी पर बाली उड़िया, हूँ फोकी चाह पी देने नज़ारे लै देने, जनता का हाल थोड़ी पता इन्हें, जनता के जनता पर केह बीता दी है। लाल सिंह कुछ भी नहीं है, मन लैने एक चीज़ है, जब भी डुगर समाज की गल हों, डोगरा प्रदेश की गल हों, सब तो पहला नंबर लाल सिंह का आता है, क्यों? पुराने पिछले ना 20 साल का रिकॉर्ड कढ़ो, जिन्हें लीडर डुगरें के नाम पर अच्छ बड़ी बड़ी पग्गा बनते हैं ना, डुगर J&K का इतिहास कढ़ो। मैं हैरान हाँ सर, 2004 की जी पार्लीमेंट वो करा दे स्पीच दे दे बिच भी आखते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी में थे उस टाइम, उन्होंने आख्या मेरी पार्टी का सिद्धांत नहीं है बट मैं फिर भी जम्मू की सैपरेट स्टेट का एक सिद्धांत चाहना कि उसी सैपरेट स्टेट दी जा। वो बंदा कि डुगर समाज वास्ता लड़िया, जिसल गया ना तो फिर तुम्हें पता लगना कि असें एक ईरा गुआई उड़िया। मैं ना तो कभी मैं पर्सनली उनको इतना जानता हूँ, पर जितना जानता हूँ इतना मैं समझ गया हूँ, ऐसा लीडर आपको दोबारा जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, लड़ना आपको मैदान में पड़ेगा, आज नहीं तो कल से ही। अगर आप आज नहीं लड़े तो आप कल को नहीं देख पाओगे, सो फाइट फॉर योर एग्जिस्टेंस। अगर आपको लड़ना है यहाँ रहना है तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ये जो फैसला लिया गया है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाएगी और जो स्टेट लैंड्स हैं काचराई हैं रोशनी वाली ज़मीनें हैं उनको स्टेट जो है वापस ले रही है, तो अगर हम बॉर्डर बेल्ट की बात करेंगे, जैसे लोगों के पास पुराने 100-200 साल से वो वहाँ पे हल लगा रहे हैं, अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? और आपके एरिया की अगर हम बात करेंगे, नोटिस लोगों को आ रहे हैं नहीं आ रहे, लोग घबराए हुए हैं या नहीं है, कुछ है बात चल रही है? सर भाजपा का एक नारा था, बीजेपी आधी गरीब रहन कोई नहीं देना, और ये पूरी उस नीयत पर काम करा दिया ने, गरीब सच्चे नहीं कोई रहन देना। रियलिटी है ये, यही चीज़ हो रही है, गरीब रहन कोई नहीं देना, सच्चे नहीं गरीब कोई रहन देना। और आप ये सोचें, अच्छा इन्होंने PM आवास योजना थी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आप इसकी लिस्ट निकालिए, 80% जो J&K में घर होंगे वो सारे स्टेट लैंड पर होंगे, तो वो पैसा चेक होने से पहले नहीं पता किया आपने? तब कहाँ थे ये लोग, तब कहाँ इनका डिपार्टमेंट कहाँ था? पैसा जब इन्होंने अप्रूव्ड किया वो जगह नहीं देखी, आज उसी घर को तोड़ रहे हो जो स्टेट लैंड पर बना हुआ है, तो वो पैसा किसका था? इन बापू का थोड़ी है जेडे लिया आइए तो वेस्ट करी रहे जनता पर, साड़ा टैक्स है, साढ़े बाप दादा ने टैक्स दिते था कंट्री था पुजी है, 70 साल का खाउड़िया देश की, 70 साल का खाउड़िया देश भैया, कख ना हा देश को जिसल आजाद होया, पुरानिया गल्ला नहीं करो 4-5 हज़ार साल पुरानिया, जिसल देश आजाद होया ना कुछ नहीं हा, एक सूई भी ना बना दी। और तो नितिन गडकरी जी ने यह कहा है
कि एक चमचों की भी हमारे देश में कमी है, चमचे भी नहीं बाहर से विदेश से एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, तो ये सिस्टम था उसको यहाँ पर लाया गया। देश इतना देखो बेसिकली गल पता की होती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर जियाँ मेरे फादर साहब ने कमाई की थी, मकान बनाया, इट जो आता है इट जोड़ी जियाँ इट रोड़ा जोड़िया उन्हें मकान बनाया, गलत बनया सही बनया, अगर अस कमाऊ होगे तो अस ठीक कर रहे, अस पिछले गै रोंदे रहे भाई तुम्हें मकान गलत बनाया, तुम्हें मकान गलत बनाया, तो तुम्हें कहते बस आता भाजपा को किस लिए लाया गया था, बदलाव के लिए, जे पिछला गा तुम्हें रोना हाँ तो तुम्हें कह देगा तुम्हें भी भेजी उड़ते। और इस देश को वैसे बचा भी भाजपा ही सकती है, रिक्वेस्ट है आप सभी ना लिख कर एक दिन में इस्तीफा दे दो, शायद देश बच जाए। बाकी देश बिक चुका है, लोगों को सिर्फ लग रहा है जो दिमागी ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना, देश की कंडीशन ये है। अच्छा 16,000 का घाटा पड़ गया LIC को, खबर 16,000 करोड़ का घाटा पड़ा है, खबर जय माता दी। वो पाई एक माल फड़ोया हा चिट्टा ओहदे को शाहरुख खान जी दे मुड़े को, हैं वो शाहरुख खान दे मुड़े को एक पाइया माल फड़ोया भंडी भंडी बेचारे गरीबा की, और पूरे का पूरा जिहड़ा 9,000 टन माल फड़ोया कुत्थे गया, किहड़ी मासी भेजिया तुहने, अज उसकी कोई खबर नहीं चलती, क्यों? देखो सिस्टम कैसा है। अच्छा जिसलै 370 दौड़नी, इन्हें दो अपने खास बंदे छोड़ी जुड़े, एक इंदी भूआ एक ताऊ, दोनों स्टेटमैन वो पता तुसें दोनों स्टेटमैन दी उड़िया तिरंगा चुकने वाला कोई नहीं रोक, भारत जोड़ो यात्रा पर दोनों सलूट मारा दे, बंदे हर जगह छड्ड देने, खबर ही ना जेहड़े बड़े खतरनाक। हुण ये जम्मू कश्मीर के लोगों की समझना कि लड़ना कुदे कन्नै तो कियां लड़ना। सर एक बड़े बड़े ना विचारक होने सर छोटू राम, चौधरी छोटू राम आज़ादी को ना पहले, वो दो चीज़ आखते हैं खासकर किसानों की, वो आखते एक तो तू अपना दुश्मन पहचान लै और दूआ लड़ना सीख लै। अस हाँ शदाइया लेखा अन्ने बाद लड़ी जा रहे, कृपान फड़ा उड़ी दी है कुसा ने आम आदमी पार्टी की, कुसा ने कोई पार्टी की, पता सानू कुछ नहीं है, लड़ी जा रहे हैं, असें पहले दुश्मन पहचानना पौना फिर लड़ी भी लैके। और दुश्मन कौन है, जेडे बाहरों चौधरी आनी बैठे ने, पौने 2 करोड़ आबादी है इस स्टेट की, और एक चो तुसें एक बंदा नहीं मिला जम्मू कश्मीर चो कोई लीड करने वास्ते, जेड़ा बाहरों वाह कुछ केह पता सर, हुण तुसें केह पता कि उत्थे बार्डर पर जागे हो उहदी सिचुएशन, तुसें केह पता केह है अंडरग्राउंड पर जेहड़ी हालत है ना बार्डर की, उन्हें लोगों की पता है। सिर्फ एक फायदा होया जदों दे आए दे कि फायरिंग नहीं होवा दी, अस मनने इस गल की, पर वो फायरिंग नहीं होवा दी, बाकी हुण उइयां मरी जा दे। मुद्दा जेड़ा है उसकी डिस्कलोज करिए, देखो ना तुस गल कुत्थे करदे हो, लीडर के कुछ बयान ते इंदे जेडे ऑफिशियल ब्यूरोक्रेट ने कुछ बयान। सो लास्ट ये आखना चाह कि जम्मू कश्मीर वाले हुण तुस सांभी लो, क्योंकि अकेला बंदा तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, तो आपको लड़ना है तो उसके लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा। और हम आज ये कह रहे हैं एक बात, ये इस मंच से कह रहे हैं कि सियासत में हमारा कोई रुख नहीं था ना, हम सियासत में आना चाहते हैं, लेकिन अगर बात जम्मू कश्मीर की एग्जिस्टेंस की आएगी तो हम लड़ेंगे ज़रूर, फाइट ज़रूर करेंगे, और विद्रोह हमेशा हर सरकार के खिलाफ, अगर आज कांग्रेस आती है तो हमें क्लर्क नहीं बनाएगी, लेकिन लड़ेंगे उसके खिलाफ। सो ये हमारी फाइट ज़रूर रहेगी। शुक्रिया सुनील जी, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने ये स्टेट लैंड्स को लेकर के, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर लोगों को दिए गए हैं मैक्सिमम या बहुत सारे घर जो हैं वो स्टेट लैंड्स पर भी बने हुए हैं, क्या अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन उन घरों को भी तोड़ देगी, और जो उनको पैसा दिया था हर गरीब को छत देने की बात की गई थी वो कहाँ जाएगी? देखिए अरफाज साहब, पता क्या बात है, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, अभी मीटिंग पर भी ना गारू सिंह जी ने ये बात बड़े बोल्ड तरीके से रखी, आप यकीन मानेंगे ये 22-23 साल का लड़का, ये जम्मू कश्मीर के हालात हैं जनाब, ये 22-23 साल के लड़कों को आपने इस कदर ले आए हो आप कि ये आपकी कमियां पहचान सकते हैं, तुसी अन्ने हो, तुसी अन्ने हो, थानू नहीं पता है। आप बात कर रहे हैं, मैं आपको उधमपुर की एक बात सुनाता हूँ, क्योंकि बेसिकली बिलोंग टू उधमपुर, मैं आपको बात बताता हूँ। उधमपुर में हमारे पवन कुमार गुप्ता साहब ने लुक डाल दी पूरे शहर में 2018 में, भंडी भंडी ये ढोल नगारे लिए इनॉग्रेशन, कैंची कैंची रिबन, कैंची रिबन, तालियां कड़ा, उवै बंद बनाउंदा रहा 2018 च। बहुत डेवलपमेंट हुई, फिर क्रेडिट की बात आ गई, उस समय वो भाजपा में रहे ना थे तो क्रेडिट पे बात आ गई, नहीं नहीं ये तो मैंने किया, बीजेपी वाले बोले नहीं जी सेंटर की स्कीम है। ओ बेवकूफ हो, 21 साल बाद भन्नी पासे मारे, पूरे शहर की तबाही हुई हुई है। आप बोलो, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, चाहे तो चला भी देना इसके साथ, ठीक है। आज लोग डाल रहे हैं ओम म्युनिसिपैलिटी आए नमा, ठीक है, ओम उधमपुर की डेवलपमेंट आए नमा, ये बच्चे स्टेटस डाल, मैं नहीं डाल रहा हूँ, 15-15 साल के बच्चे डाल रहे हैं जनाब, चल नहीं पा रहे, डेवलपमेंट की पोल खुल रही है।
आपने अगर टेंडर डलवाए, लुक तो टेंडर से डली ना, एएमसी के साथ डली, 5 साल के ठेकेदारों को, वो आपके मासी के लड़के थे जिनको 5 साल की एएमसी आपने लूप में दे दी, अगर आपको पता था, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग बेसिकली, दे हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग, उनके पास प्लानिंग है नहीं। और रही बात ये देखो, ये खाली एक सड़कों पे नहीं है, ये खाली ज़मीनों पे नहीं है, आपने आवास योजना खोल दी, 2 इंस्टॉलमेंट्स हमने दे दी हैं। मैं अभी किसी भाजपा के लीडर का इंटरव्यू सुन रहा हूँ, मेरे नाम भी याद नहीं आ रहा अब उसका, इनके नाम भी याद नहीं रहते, कभी तो अचानक से तो आ गए थे तो सत्ता में, तो क्या बोल सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स आ गई हैं, 3री पेंडिंग है, अब वो घर तोड़ दोगे, पैसा कुत्थों ले आया था भैया, पहले गाल भी सुना उड़े, ठीक है ना। और जनाब हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर बहुत रिच स्टेट है, हमारे महाराजा ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऐसे नहीं था किया, उसने सोच समझ के किया था कि भैया ये ना हो कि मेरी जनता त्रुड़ के रख दो तुम। कांग्रेस ने त्रुड़ा थोड़ा, तुमने खा ली उधार दी, तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं हमारे पल्ले। हमारी नीलम किधर जा रही है भाई, किस रेट पे जा रही है, थर्मल बिजली तुम यूज करवा रहे हो जम्मू कश्मीर में, हाइड्रो वाली कहाँ जा रही है, वो NHPC का ज्योतिपुरम का प्रोजेक्ट खत्म हो गया हुआ, उनकी लीज खत्म हो गई है, वो तुम गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हारी कौन सी फुफड़, कौन सी बुआ के लड़के लगते हैं वो, मुझे बता दो कि NHPC वाले कौन लगते हैं तुम्हारे। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ जनाब, हमारे इतने डैम्स बन सकते हैं, हमारी माता वैष्णो श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, श्राइन बोर्ड जो है हमारा, वो आगे देता है पैसे लोगों को देता है, भाई हम अपने घर फाके पे देना तो दान करना पहले घर करो भैया, माता साड़ी माता रानी साड़ी, तो तुम कि चौधरी बने फिर दे, देखो मतलब ये नहीं ना, आप बात को समझो कि बस डाइवर्ट घुमाया जा रहा है हमें। और इसका हल जो मैं समझ रहा हूँ, मैं यही समझता हूँ कि यूथ हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, क्योंकि एक बंदे से ये नहीं चलेगा, ठीक है ना, और मतलब ये सिस्टम ही नहीं बनता होता, ठीक है ना। आपके साथ जो लोग, जो युवा जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से आपके संपर्क में आ सकते हैं, किस तरह से आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे और किस तरह की मदद आपके द्वारा उनके रहेगी? देखो अरफाज साहब, हम परिवर्तन मूवमेंट हर तरीके से नौजवानों के साथ है, और मैं आज का नहीं हमेशा से बोलता आया हूँ, क्योंकि बेसिकली यूथ लीडर हूँ, ठीक है ना। हम बड़े मच्योर नहीं हैं, हम ये नहीं बोल सकते हम चौधरी लाल सिंह की तरह बहुत मच्योर हैं, हम बहुत इमच्योर लोग हैं, ठीक है ना, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, हम आपके साथ चल सकते हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम आपको आपका हक दिलवा देंगे, बट हाँ जहाँ तक की सांसें लिखी हैं मातारानी ने, लड़ सकते हैं आपके लिए और लड़ेंगे भी। आपको किसी भी तरफ से परिवर्तन मूवमेंट की किसी भी बंदे की ज़रूरत है, चाहे मेरी है, चाहे गारू सिंह जी की, चाहे अजय भगत जी की है, मोहित शर्मा जी की, इफ्तियार चंदेल साहब की है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक गूगल कर लें, किसी एक का नाम कर लें, यू विल गेट एवरी डिटेल ऑफ अवर्स। और मातारानी सुख रखेगी, पंचायती इलेक्शन ख़त्म होने दें, हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैनर के साथ सामने आने वाले हैं। और अरफाज साहब, आपने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स पूछा था कि ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो जिन्होंने आपको पूछा था, आपने वैसे नाम बताया नहीं, तो मैं उन लोगों को जवाब दे दूं। इसी महीने फेब में हम एक यूथ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारी क्रेडिबिलिटी पूछी थी ना, यार अब हम लोग चीफ मिनिस्टर के बेटे तो हैं नहीं, बट अगर तुम्हारी औकात हो उससे बड़ी एक ना यूथ कॉन्फ्रेंस करके दिखा देना। शुक्रिया मैं साहब बातचीत करने के लिए। ये थे मैं साहब सुनील सिंह कंबोज जी, चेयरमैन हैं परिवर्तन मूवमेंट के, और इनकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे बातचीत कर रही थी। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज़ दाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।